जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28 और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। दोनों मिलाकर के 15,610 हम नौकरियां देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है उसके अनुरूप यह कार्य हो रहा है और इसके बाद हम लोग निकालेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और उसके परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन अब देखिए आचार संहिता समाप्त होते ही बिहार में बहालियों की भरमार लग गई है। कल ही बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पद की बहाली निकाली गई थी, अब देखिए पंचायती राज विभाग में 15,000 से अधिक पदों पर बहाली आ गई है। सबसे पहले बयानों को सुनिए जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, केदार प्रसाद गुप्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बहाली को लेकर के। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10,00,000 नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है, उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीने से ज़्यादा है। इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610, जिसमें आपको मैं बता दूं राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28 और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियां होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72, कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है और दूसरे तरफ अस्थाई अस्थाई पद के संविदा हैं, जिसका हम लोगों ने निकाला है, और लेखापाल सह आईटी सहायक के 7,070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है और 2-3 महीना के अंदर में सब प्रक्रिया पूरा हो गया निकला हुआ है, आप लोगों को जानकारी हो। तकनीकी सहायक 566 हैं, कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 हैं, ग्राम कचहरी सचिव 1400 हैं, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 हैं, कुल 11,259 के पद हैं। यह हम अभी आपको दोनों मिला करके 15,610 हम नौकरियां देने जा रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है उसके अनुरूप यह कार्य हो रहा है और इसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का संकल्प है कि बिहार में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, नौकरी देने का, उसी क्रम में बिहार सरकार ने 5 लाख नौकरियाँ दे दी है, जो 5 लाख बचे हुए हैं उस पर भी बिहार सरकार काम कर रही है और पंचायती राज विभाग अब बहाली देने जा रही है। 15,000 से अधिक पदों पे बहाली होगी और यह बहाली 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले भी आपने देखा कि लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार रोजगार पे काम कर रहे थे, अब देखिए आचार संहिता समाप्त हो गया है, बिहार में
रोजगार की भरमार होगी और आने वाले दिनों में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।